फ्रेंड्स, बारिश तो हल्की हल्की हो रही है और देख सकते हैं ये किस चीज़ के पत्ते वो खा रहे हैं, कितने मज़े से देख सकते हैं। और जो दूसरी बकरे हैं वो यहाँ पर चर रही है अपना अपना, और ये क्या चीज़ है वो मिलके खा रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज आ गया था मैं बकरे चराने के लिए और ब्लॉग शूट ही कर रहा था कि तब जोर से बारिश आ गई। वैसे इंट्रोडक्शन तो मैं दे रहा हूँ लेकिन आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर। तीन चार पाँच छः दिनों से तो यहाँ पर धूप ही था, आज अचानक से बारिश आ गई बहुत तगड़े वाली। और मैं बकरे लेके आया था यहाँ पर चराने के लिए, वो भी सारी छुप रही बारिश की वजह से। जैसे कि आपको यहाँ का तो अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन छिपे हुए यहाँ पर चल रहे। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, बारिश है जो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बारिश है जो अभी तक रुकी भी तेली नहीं है। तेली। देख सकते हैं आप हल्की हल्की बारिश अभी भी आ रही है। मजे से ये देखिए जो पहाड़ों पर कुछ इस चार प्रकार से व्यूज आ रहे हैं। जो बकरियाँ है वो वहाँ पर चल रही है, आपको देखा है फिर से दिख रही होगी यहाँ पर। यहाँ पर है जो चारा खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब जो बारिश है वो थोड़ी सी कम हो गई है यहाँ पर, जैसे कि आपको देख ही रहे होंगे आप यहाँ पर स्क्रीन पर। अभी जो मैक्सिमम 15 या फिर 20 मिनट हो गए होंगे जो बारिश आई थी तगड़ी वाली और आकर भी चली गई। यहाँ का जो मौसम है जिस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही है, आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। जब मैं यहाँ का जो व्यू है कुछ इस प्रकार से दिखाता हूँ। अभी गाँव में ऐसे छोटी छोटी बारिश आती है तो काफ़ी घूमने में ऐसे मज़ा आता है, मतलब ऐसे हरियाली में घूमना चलना बकरे चरना काफ़ी अच्छा लगता है। वेजिटेबल्स होते हैं, मैंने आपको देखा था तब मेरे पिछले वाले ब्लॉग में, उस वक्त खाना तो अच्छा लगता है यहाँ से ऐसे घूमना। तो फिर घूमते घूमते ब्लॉग भी बना लेता हूँ। मेरे पैर में लगे तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिंप कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मस्त व्यू लग रहा है। देखिए हल्की हल्की बारिश में जो चारा खा रहे बकरियाँ, एक यहाँ पर भी नीचे चली गई यहाँ पर चारा खाने के लिए। ये जो पेड़ है सामने, ये बाबुल का पेड़ है, इस पे कांटे भी आते हैं छोटे छोटे, और इन पे ये देखिए छोटे छोटे फल भी आते हैं कुछ इस प्रकार के। ये हमारे जो बकरे हैं ना वो मिक्स रहते हैं, मतलब शिप भी है और ये बकरियाँ भी है। क्या इनको क्या बोलते हैं, इनको अंग्रेजी में तो शिप बोलते हैं और इनको गोट मतलब जो दो प्रकार के बकरियाँ मैं एक साथ चराता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं भी सोचता हूँ कि डेली ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन जब सुबह उठता हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग तो हो ही नहीं रहा है लाइफ में, तो डेली ब्लॉग वैसे कैंसिल कर देता हूँ। फिर सोच के मतलब उठना, खाना पीना हो गया, नहाना धोना हो गया, कि बकरियाँ चराना फिर जाना, वैसा ही जो मेरी डेली रूटीन है वही है। इसलिए रोज़ एक ही काम करना भी बहुत बोरिंग सा लगता है, इसलिए मैं डेली ब्लॉग नहीं बनाता, कभी कभार बनाता हूँ मतलब दो दिन छोड़ के। मेरे ब्लॉग में जो दो दिन के गैप में आते रहते ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।